हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं लेसन 13 के लास्ट टॉपिक की, नॉर्मलाइजेशन। ये भी एक मेथड है रिलेशनल डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए। इसका मेन उद्देश्य ये होगा कि रिलेशनल स्कीमा के सेट को प्रोड्यूस करना है, जिसमें बिना रिडंडेंसी के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और हम इंफॉर्मेशन को इजिली रिट्राइव कर सके, इसकी परमिशन देता है। डिजाइनिंग के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके नॉर्मल फॉर्म स्कीमा को प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बैड डेटाबेस। अगर आपने बैड डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य समझ आ जाएगा। अगर डेटाबेस में डुप्लीकेसी हो रही है या फिर डेटा इनकंसिस्टेंट वे में है तो ये बैड डेटाबेस है, क्योंकि डेटा को एक्सेस कर पाना मुश्किल हो जाएगा और मेमोरी की भी वेस्टेज होगी। सो एक बैड डेटाबेस डिज़ाइन डेटा की प्रोसेसिंग के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनती है, और डेटाबेस में प्रॉब्लम्स या फिर एनामोलीज आती है तो ये एनामोलीज आती है। फर्स्ट आता है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी डेटाबेस के अंदर एक ही फाइल मल्टीपल टाइम स्टोर हो रही है या उसकी डुप्लीकेसी हो रही है, उसको बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। सेकेंड आता है अपडेट एनोमली। यदि एक कॉपी को अपडेट किया जाता है तो सभी रिवाइज डेटा को भी अपडेट करना ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने बताया कि बैड डेटाबेस में फाइल की डुप्लीकेसी होती है, यानी कि एक ही फाइल मल्टीपल टाइम स्टोर हो जाती है। अगर हम एक कॉपी को अपडेट करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम जो बाकी कॉपीज़ हैं हम उसको भी अपडेट करें। सो वो अपडेट करना भी एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। जैसे एक कॉपी में स्टूडेंट का एड्रेस अपडेट करते हैं तो हमें स्टूडेंट की सारी टपल्स में हमें उसका एड्रेस अपडेट करना होगा। थर्ड आता है इंसर्शन एनोमली। जब तक नॉन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे तब हो सकता है कि कुछ डेटा कलेक्ट ना हो। जैसे एक टपल में हम कोई इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए कि वहाँ पे फ़ोन नंबर को ऐड करना ज़रूरी है। अगर हम वहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड नहीं करेंगे या फिर वहाँ पे नल वैल्यू को असाइन कर देंगे तो वहाँ पे नल प्रॉब्लम का कारण बन सकता है और टपल को हैंडल करने में मुश्किल होगी। सो ऐसी कई वेबसाइट्स में होता है या फिर ऐसी कोई भी डेटा बेस के अंदर होता है कि हमारा जो डेटा होगा वो फ़ोन नंबर से ही उसको एक्सेस किया जाएगा, जैसे आधार कार्ड है। अगर हम कोई डेटा बेस डिज़ाइन कर रहे हैं और वहाँ पे ये इंसर्शन एनोमली आ रही है तो ये यहाँ पे भी एक दिक्कत का कारण बन जाता है। ओके, फोर्थ आता है डिलीशन एनोमली। कुछ दूसरे नॉन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को डिलीट किए बिना कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट किया जा सकता है। अगर मैं स्टूडेंट टेबल से सभी स्टूडेंट के रोल नंबर और क्लास को डिलीट कर दूँ, सो इससे क्या होगा कि उस क्लास से हमारा कनेक्शन टूट जाएगा और हम उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये चार जो मैंने प्रॉब्लम बताई वो बैड डेटाबेस के अंदर आती है और हमें इन बैड डेटाबेस को ही ख़त्म करना है। सो बैड डेटाबेस से बचने के लिए या फिर इन चार प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें गुड डेटाबेस को डिज़ाइन करना होगा। अगर हम गुड डेटाबेस को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमें डिपेंडेंसी, डिकम्पोजिशन और नॉर्मल फॉर्म को यूज़ करना होगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन का मेन उद्देश्य है। ओके, अब हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस है, जिसमें बैड डेटाबेस की प्रॉब्लम को रिमूव करता है, जैसे डेटा रिडंडेंसी, इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली, अपडेट एनोमली, ये सब कुछ रिमूव करता है। इस प्रोसेस में रिलेशनल स्कीमा को चेक किया जाता है क्योंकि पता चल सके कि वो नॉर्मल फॉर्म से सेटिस्फाई है या नहीं। अगर कोई रिलेशनल स्कीमा किसी नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करती तो हम उससे स्मॉल स्कीमा में या सब स्कीमा में डिवाइड करेंगे, इट मीन्स कि डिकम्पोजिशन करेंगे। ओके, सो अब मैं बात करता हूँ नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स की। तो हम चार नॉर्मल फॉर्म को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आता है 1NF, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड आता है 2NF, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड आता है 3NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। एंड लास्ट में फोर्थ आता है BCNF, यानी कि बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। तो पहले हम बात करते हैं 1NF की, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। इस नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि जो भी टेबल की मल्टीपल वैल्यूज होती है या फिर एक ही फील्ड के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है, सो हमें उसको एटॉमिक वैल्यू में चेंज करना होता है। एटॉमिक वैल्यू क्या होती है कि एक ही फील्ड के अंदर एक ही वैल्यू को स्टोर होना चाहिए। अगर टेबल का कोई डेटा एटॉमिक वैल्यू में है, समझ सकते हैं कि हमारा जो वो डेटा है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट है। फॉर एग्जांपल, अभी आप देख रहे हैं कि इस टेबल में एट्रीब्यूट का पूरा कलेक्शन बना है,
तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। सो इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए हमें इस कलेक्शन को एटॉमिक वैल्यू में चेंज करना होगा। सेकंड हम बात करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, 2NF और आगे आने वाले नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में। पढ़ने से पहले हमें यह पढ़ना होगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी किसे कहते हैं, क्योंकि अब आगे जो भी नॉर्मल फॉर्म आ रही है उसके अंदर डिपेंडेंसी का यूज़ किया जाएगा। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? फंक्शनल डिपेंडेंसी एक टाइप का प्रोसेस है जो की कॉन्सेप्ट को सामान्य करता है। इट मीन्स मान लो एक रिलेशन है R, उसमें X और Y रिलेशन के नॉन एम्प्टी एट्रीब्यूट के सेट है। अगर X Y को रिप्रेजेंट करता है तो Y X पर डिपेंडेंट रहेगा। अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझना, सिर्फ मेन पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए मैं अलग से एक वीडियो को अपलोड करूँगा। आपको ये याद रखना है कि जो एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए। जैसे x एट्रीब्यूट y को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए, और जो डिपेंडेंट है उस एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी। एग्जांपल के लिए मान लो x एक रोल नंबर है और y एक स्टूडेंट का नेम है। सो कभी भी एक रोल नंबर दो स्टूडेंट्स के नहीं होंगे, तो यही होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी फॉलोइंग टाइप्स की होती है। फर्स्ट आता है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, सेकंड आता है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, थर्ड आता है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, फोर्थ आता है पार्शियल डिपेंडेंसी, एंड लास्ट फिफ्थ आता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सो फर्स्ट मैं बात करता हूँ ट्रिवियल डिपेंडेंसी। मैं आपको सिंपली में बता रहा हूँ, अगर एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है सो वाई एक्स पे डिपेंडेंट होगा। अगर वाई का कुछ पार्ट एक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि वाई एक्स का सबसेट है, तो उसको बोलते हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए बी डिटरमाइन बी। अभी जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा ए बी और राइट साइड लिखा मैंने बी, तो बी क्या है? ए का पार्ट है, तो ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। सेकंड आता है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसमें ट्रिवियल का अपोजिट करना है। अगर वाई एक्स का पार्ट नहीं है तो वो होती है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। थर्ड आता है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए कि अगर एक्स के अंदर दो एट्रीब्यूट है ए और बी, और y के अंदर c एट्रीब्यूट है, अगर ए बी मिलकर c को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो c ए बी पे फुल डिपेंडेंट होगा। अगर x एट्रीब्यूट में मान लीजिए ए बी में से a चला जाता है या a को रिमूव कर दिया जाता है, तो जो b होगा वो c को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि c ए बी पर फुल डिपेंडेंट था। फोर्थ बात करते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी में क्या होता है कि अगर ए बी सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वहाँ से ए चला जाता है या ए को डिलीट कर दिया जाता है, तो भी सी बी पे डिपेंडेंट होगा। ओके, ये होती है पार्शियल डिपेंडेंसी। फिफ्थ आता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई जेड को कर रहा है, तो इनडायरेक्टली जो जेड होगा वो एक्स पे डिपेंड होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो होती है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। मान लीजिए ए और बी फ्रेंड है और बी और सी फ्रेंड है, ओके, सी ए का फ्रेंड बन रहा है, तो ये होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? ये नॉर्मल फॉर्म एक प्राइमरी की पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करता है। इट मीन्स किसी टेबल की जो प्राइमरी की है, उस प्राइमरी की पर हर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कम्प्लीटली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए। यदि कोई कॉलम प्राइमरी की के एक पार्ट पर भी डिपेंडेंट है, तो मान लो आपकी टेबल 2NF में है, ओके? थर्ड आता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अगर रिलेशन को 3NF में बनाना है तो हमें चेक करने की ज़रूरत है कि स्कीमा की फंक्शनल डिपेंडेंसी कंडीशन को फॉलो कर रही है या नहीं। अगर वो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही, तो मान लो आपकी स्कीमा 3NF में नहीं है, और 3NF से पहले आपकी स्कीमा 2NF में होनी चाहिए, और 2NF से पहले आपकी स्कीमा 1NF में होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या होती है 3NF की? फर्स्ट कंडीशन आती है कि अगर एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्स पे डिपेंडेंट है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन आती है कि अगर एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है तो एक्स यहाँ पर एक सुपर की होनी चाहिए, ओके? थर्ड कंडीशन ये आती है कि अगर एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वाई में जो वैल्यूज़ है वो की का पार्ट होना चाहिए। इट मीन्स कि किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी का राइट साइड जो एट्रीब्यूट है वो रिलेशन स्कीमा का की पार्ट होता है। नहीं तो आप ये याद रख सकते हैं कि y माइनस एक्स,
इसका क्या मीनिंग है कि जो पार्ट वाई में मौजूद है वो एक्स में नहीं होगा, और जो वाई में पार्ट है वो की का पार्ट होना चाहिए। ओके, सो फोर्थ आता है बी सी एन एफ। बी सी एन एफ 3NF का स्ट्रिक्ट वर्जन है। जैसे 3NF में थ्री कंडीशन को फॉलो करना होता है। सो 3NF में क्या था कि थ्री कंडीशन में से अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो 3NF में है। बी सी एन एफ में दो कंडीशन होती है, अगर वो दोनों कंडीशन में से अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आपकी जो स्कीमा होगी वो बी सी एन एफ में होगी। आपको सिंपली याद क्या रखना है कि आपकी जो स्कीमा बी सी एन एफ में होगी वो 3NF में भी होगी, क्योंकि बी सी एन एफ में दो कंडीशन होती है और 3NF में तीन कंडीशन होती है। अगर बी सी एन एफ की दोनों कंडीशन 3NF में आ रही है तो जाहिर सी बात है कि जो बी सी एन एफ में जो भी स्कीमा सेटिस्फाई होगी वो 3NF में भी होगी। ओके, लेकिन जो 3NF में स्कीमा होती है, अगर हमारी स्कीमा 3NF में होती है वो हो सकता है कि वो बी सी एन एफ में ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कोई 3NF की स्कीमा है, वो थर्ड कंडीशन को फॉलो करके सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन बी सी एन एफ के अंदर थर्ड कंडीशन को फॉलो किया ही नहीं जाता। अच्छा, आपको बता दूं कि बी सी एन एफ की दो कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन ये रहती है कि अगर एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वाई एक्स पे डिपेंडेंट है, तो इट मीन्स यहाँ पे ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी होनी चाहिए, जो कि 3NF का फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन ये रहती है कि अगर एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स एक्स ऊपर की होनी चाहिए। ठीक है, यही सेम कंडीशन 3NF के अंदर भी थी, लेकिन जो 3NF की थर्ड कंडीशन थी वो BCNF में फॉलो नहीं किया जाता, वाई माइनस एक्स वाला। ओके, सो आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।